गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल एन एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं आरएस 2022 के सिलेबस की। आरएस 22 सिलेबस भी किसका, आरएस प्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आरपीएससी ने 2021 का जो निकाला था उसी का सिलेबस, पूरे पूरे चांसेस हैं 99% यही सिलेबस मैच होने वाला है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किसके सब्जेक्ट से क्या क्या आते हैं, लास्ट जो सिनेरियो रहा है उसका। तो पहले बात कर लेते हैं राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके में मतलब राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर से जो क्वेश्चन आए, 49 क्वेश्चन 2018 में आए, 47 क्वेश्चन 2016 में आए, 2013 में 47 क्वेश्चन आए। अगर एवरेज निकालें तो 48 का एवरेज है। अभी 2021 का अलग से डिस्कस करेंगे पूरा पेपर। इस बार का पेपर सबसे अलग हटके स्पेशल पेपर बन के आया था 2021 आरएस प्री का। फिर अपन बात कर लेते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का पोर्शन कितना आ रहा है, 10 क्वेश्चन आए 2018 में, 2018 में, 2016 में आए 8 क्वेश्चन, 2013 में आए 9 क्वेश्चन, और एवरेज अगर निकालते हैं तो 9 क्वेश्चन के ऑन एन एवरेज 8 भी आ सकते हैं और 10 भी आ सकते हैं, लेकिन 9 के आसपास ही क्वेश्चन आते हैं प्री में। फिर बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, इंडिया और वर्ल्ड लेवल की। राजस्थान ज्योग्राफी, राज, इंडिया और वर्ल्ड, इनकी ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। 2018 में आए 8 क्वेश्चन, 2016 में आए 10 क्वेश्चन, 2013 में आए 10 क्वेश्चन, और एवरेज अगर इनका निकाले तो वही 9 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं 16, 12, 13 और 14, तो एवरेज है 14। पॉलिटी से ऑन एन एवरेज 14 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, या तो 13 हो जाएंगे या 15 हो जाएंगे, और अगर ज्यादा गया तो 16, 17 तक चले जाएंगे, और कम हुआ तो 10 से तो ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब मोर देन 10 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होता है 1.33 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग होती है, वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग होती है, 150 क्वेश्चन होते हैं। फिर बात कर लेते हैं इकोनॉमी का। इकोनॉमी में वही 8 क्वेश्चन, 9, 11 और एवरेज वही 9 क्वेश्चन, और अगर टोटल देखा जाए सिमिलरली मैथ रीजनिंग में 2020 का एवरेज है। 2021 में रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, मैथ के क्वेश्चन आए थे सिर्फ 8 क्वेश्चन, रीजनिंग के आगे थे 12। फिर करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, 20, 24, 22 इतना ही रहता है, 25 के आसपास रहते हैं क्वेश्चन टोटली, 25 के आसपास टोटल क्वेश्चन रहते हैं। फिर इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स का दोनों को मिला के 46 के आसपास क्वेश्चन आए थे 2021 में 46 के आसपास क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन में, जिन्होंने करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे दोनों करके गए थे, उनका 50% वेटेज तो इन्होंने कवर कर दिया था। रही बात मैथ रीजनिंग के ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन आते हैं, इसको कर जाओ आपके हो गए 40 क्वेश्चन, आप उसमें कर देते हो 20 क्वेश्चन, आप इसमें कर देते हो 60 क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन इंटू 1.33 कर लो, आपका प्री तो इसी से निकल जाएगा। एक सब्जेक्ट और पकड़ लो साथ में, हिस्ट्री पकड़ लो, मैं कहूँगा ज्योग्राफी पकड़ लो, ईजी पड़ती है, समझ में अच्छे से आ जाती है। इकोनॉमी पकड़ लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पकड़ लो, जो साइंस फील्ड के हैं, बहुत ईजिली 3 सब्जेक्ट कवर करने से आपका प्री क्लियर हो जाता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 नहीं लेते हो, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेकर के चलो, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आप पकड़ लो, इकोनॉमी पकड़ लो, पॉलिटी थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, सारी चीजें रटनी है, समझने लायक कोई भी चीजें नहीं है, और किसी की अगर पॉलिटी चीजें समझ में आती है आप पॉलिटी पकड़ लो, पॉलिटी लेकर के करो, मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटी तो आप 4 सब्जेक्ट अगर आप ले लेते हैं, 4 सब्जेक्ट आपका प्री, अगर आप अच्छे से 100% प्रिपरेशन करते हैं तो प्री इजिली क्रैक हो जाता है। और फिर आई मेंस में आप सारी सब्जेक्ट्स को अच्छे से रीड करिए, अच्छे से लर्न करिए, और रिटन प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए मेंस के लिए। फिर बात करते हैं अपन सिलेबस की, पैटर्न कैसा रहता है। तो आरपीएससी निकालती है आरएस की वैकेंसी। आरपीएससी क्या है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटेटिव प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021। तो 2021 के सिलेबस को अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें, और इसी के अकॉर्डिंग 2022 का रहेगा। ऑन एन एवरेज अगर चेंज होगा तो 5% का सिलेबस में ऊपर नीचे होगा बस, चेंज, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा। अगर अपन देख लेते हैं कौन कौन एग्जाम में दे सकता है, द एग्जामिनेशन इज मीन टू सर स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। तो प्री जो एग्जाम है वो किसके लिए, स्क्रीनिंग के लिए, भीड़ को साफ करने के लिए। फिर अपन दे देते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ ए बैचलर्स डिग्री लेवल, मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए आप। द मार्क ऑब्टेंड ऑन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स, प्री के मार्क्स जो होते हैं वो आपके मेंस के मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं, तो प्री के मार्क्स कहीं पर भी ऐड नहीं होते हैं, मार्क्स ऐड होते हैं मेंस प्लस इंटरव्यू, दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं। मेंस के मार्क्स होते हैं टोटल 800 और इंटरव्यू के मार्क्स कर दिए आजकल 80, तो इसी में से आपका वो बनता है पूरा पेपर। तो
880 में से आप 50% भी मार्क्स ले आते हो, मतलब 400 के आसपास भी नंबर ले आते हो, 440 के आसपास भी ले आते हो, तो आप टॉप पर फर्स्ट रैंक ले आते हो। 2018 के मुक्ता राव के मैंने मार्क्स देखे थे कुछ 344, 344 के आसपास थे या 444 थे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट वो फर्स्ट रैंक इसमें आ गई थी। तो मुक्ता राव मैडम आपसे पहले भी दो बार RS दे चुके थे। फिर अपन बात करते हैं पेपर वन जो प्री एग्जाम है उसमें क्या क्या होता है। प्री एग्जाम में देर विल बी 150 क्वेश्चंस, देर विल बी 150 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स, देर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। एक रॉन्ग क्वेश्चन मतलब राइट क्वेश्चन में से 1/3 कट हो जाएगा। फिर पेपर फर्स्ट पेपर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस 200 मार्क्स का आता है, 3 आवर्स का पेपर होता है, सेंटर बहुत बुरी तरह से दिए जाते हैं, अलग अलग एरिया में डाल दिए जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अपन हिस्ट्री आर्ट कल्चर लिटरेचर ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये सिर्फ राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान की हिस्ट्री राजस्थान का कल्चर इनकी बात हो रही है। तो पहले प्री हिस्टोरिकल साइट्स राजस्थान फ्रॉम पैलियोलिथिक टू कैलोलिथिक एंड ब्रोंज एज, मतलब पाषाण काल से लेकर के अब तक ब्रोंज एज तक राजस्थान की। फिर हिस्टोरिकल राजस्थान, राजस्थान के हिस्टोरिकल राजस्थान इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स अर्ली क्रिश्चियन इराज सोसाइटी रिलीजन कल्चर एंड एंशियंट राजस्थान, इन सब के बारे में इस टॉपिक पे बात होगी। सिलेबस सबसे पहले लर्न कर लेना RS का, RS क्लियर करने से पहले सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए उसका सिलेबस। फिर अपन बात करते हैं पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट, मतलब पॉलिटिकल एंड कल्चरल का मतलब पॉलिटी जो राजा महाराजा जो चेंज हुए वो, ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज, जैसे मेजर डायनेस्टीज कौन कौन सी डायनेस्टीज की बात हो रही है, जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं वही पढ़नी है, जिसमें लिख रखे हैं वही पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, जैसे गोहिल प्रतिहार चौहान परमार राठौड़ सिसोदिया कछवाहा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू मतलब उनका खर्चा पानी, और एडमिनिस्ट्रेटिव उनके राजा मंत्री लेखक ही कौन कौन थे, राइटर्स पोएट्स है ना मिनिस्टर्स ये सब कौन कौन थे उनके, लाइक पंडित महाराजा के जो पंडित होते थे वो कौन कौन थे, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। सो सिस्टम इन मिडाइवल राजस्थान, मिडाइवल राजस्थान में रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेटिव का सिस्टम, मतलब राजा महाराजाओं के जो मंत्री सभापति जो अपन बोलते हैं इनके इनके सामंत फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में इन सब के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए। लाइक एक किंग है, किंग का एरिया है, किंग ने अपने अपने डिविजन्स डिवाइड करके, जैसे चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ने अपने अपने एरिया में डिवीजन डिवाइड कर रखे हैं। फिर वहाँ पे हैं हर एक डिपार्टमेंट के एक एक मंत्री है, एक एक मंत्री के पास एक एक अपना डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट फिर अपने अपने मंत्री का एक एक एरिया है, उस एरिया में अपने अपने SDMs हैं जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, SDMs हैं। तो सिमिलरली उनका सिस्टम अपन को देखना है मिडाइवल राजस्थान का। फिर अपन देखते हैं इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, एजेंट ऑफ सोशल वॉकिंग इन राजस्थान ड्यूरिंग 19th and 20th century, पोलिटिकल अवेकिंग्स रूल ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, न्यूज़पेपर्स बनने चालू हो गए थे, आप पढ़ोगे इसमें किसान आंदोलन में कौन कौन से न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज आई, ट्राइबल एंड पीस एंड मूवमेंट्स 20th century में जो मूवमेंट्स हुए थे 1897 में हुआ था, एक 1923 में हुआ था बिजोली आंदोलन, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो 19th century से 20th century तक कंप्लीट हुई थी, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ डायनेस्टीज थी जो बिना किसी जद्दोजहद की इन्वॉल्व हो गई थी, और कुछ थी जो सबसे लास्ट में हुई थी, तो उन सबके बारे में अपन पढ़ेंगे। राजस्थान का इंटीग्रेशन, राजस्थान का एकीकरण, फिर आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्चरल के ट्रेडिशन में क्या क्या, टेम्पल्स आप देखते हो, हर्षा माता का टेम्पल आबनेरी आप देखते हो, फोर्ट्स आमेर फोर्ट आप देखते हो, पैलेसेस सिटी पैलेस जयपुर आप देखते हो, मैन मेड वाटर बॉडीज आबनेरी। फिर वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स, आप बहुत सारे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग स्कूल्स के बारे में देखोगे, सबसे बेस्ट पीरियड ऑफ पेंटिंग स्कूल कौन सा था, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। फिर आप देखोगे परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, फोक डांस एंड ड्रामा। फिर अब लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बुक्स कौन कौन सी लिखी गई, डायलैक्ट्स ऑफ राजस्थान लैंग्वेज, लिटरेचर ऑफ राजस्थान लैंग्वेज एंड फोक लिटरेचर, कौन कौन सी किस किस चीज़ के ऊपर बुक्स लिखी गई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ो। राजस्थान के जो डांस, राजस्थान के जो संगीत कहाँ कहाँ से कौन कौन सा जनरेट हुआ, कब कब किस किस टाइम पीरियड में जनरेट हुआ, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। रिलीजन, रिलीजियस लाइफ, रिलीजन कमिटीज, साइंस एंड सेक्स इन राजस्थान, फोक डेटीज एंड ऑफ राजस्थान, करणी माता, नारायणी माता, रामदेव जी, देवनारायण जी, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। सोशल लाइफ इन राजस्थान, सोशल लाइफ, फेयर्स, फेस्टिवल, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, अटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स, गहने कपड़े, सोशल कस्टम्स, कॉस्ट्यूम्स, लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, जो मेन पर्सनैलिटीज जो रही थी उस टाइम पे, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर आ जाता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में सेम कल्चर, कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंडस वैली, वैदिक एज, ये सब चीज़ों के बारे में, 6th century,
बुद्धिज्म जैनिज्म इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर आ जाता है अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज, मौर्य कुषाण चेतांग गुप्ताज चालुक्यास पालवास एंड चोलास इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आर्ट एंड अचीवमेंट ये सब पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया कौन कौन सी भाषाएं थी, संस्कृत प्राकृत तमिल। फिर पढ़ेंगे सल्तनत पीरियड अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट सल्तनत रूलर्स, कल्चरल अचीवमेंट्स पढ़ेंगे उनकी। फिर पढ़ेंगे मुगल पीरियड, फिर पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सब के बारे में, पेंटिंग म्यूजिक डांसिंग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे रिलीजियस लिटरेचर, फिर अपन देखते हैं भक्ति सूफी मूवमेंट्स और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे 19th सेंचुरी में टू 1964 तक जो जो भी चेंजेस हुए वो सब पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, फिर वेस्टर्न एजुकेशन, फिर आता है फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशन बिल्डिंग, इंडिपेंडेंस के बाद जो नेशन बिल्डिंग में जो जो सिस्टम हुआ, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग द नेहरू नेहरूज़म एज, मतलब जब नेहरू जी, जब हमारे पीएम लेट पीएम नेहरू जी के टाइम में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स डेवलप हो गए थे, जैसे इसरो, इन सब चीज़ों के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। ये टॉपिक स्पेशली ऐड किया गया था 2021 में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अपन पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं इसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। बहुत छोटे छोटे से पोर्शन है और बहुत ईजिली एक स्पायरल नोटबुक में, मतलब अंडर 150 पेजेस में कवर हो जाएंगे दोनों। फिर बात कर लेते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी जो इसमें नहीं है, लेकिन बाकी के जो छोटे एग्जाम्स होते हैं राजस्थान के या और अदर स्टेट्स के, उन सब में फिजिकल ज्योग्राफी आती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन देख लेते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन एंड डेजर्ट्स, मेजर रिवर्स एंड लेक्स, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेजर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रीजंस, एनवायरमेंटल इश्यूज, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, लेवल लेवल सबने पढ़ा छोटी क्लासेस में। मतलब ये सिमिलरली वो ये 6th to 12th क्लास तक की ज्योग्राफी है, और इसमें भी 6th to 12th क्लास तक की ज्योग्राफी आ रही है कंप्लीट। तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वही सारी बेसिक्स ज्योग्राफी है इंडिया की और वर्ल्ड की, तो वो बहुत इजीली लर्न हो जाती है और 10 मार्क्स का वेटेज आता है। फिर पढ़ लेते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, सेम जो यहाँ पे था वही यहाँ है। फिर मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मॉनसून के बारे में है, लेकिन इंडिया में मॉनसून कैसे जनरेट होते हैं, रेनफॉल कैसे होती है, जैसे इन दिनों में प्री मॉनसून रेन हो रही है, सिमिलरली अदर अदर एरियाज में प्री मॉनसून रेन्स होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी इवेंट्स के थ्रू आती हैं, ये सब। मेजर रिवर्स एंड लेक्स, मेजर क्रॉप वीट राइस कॉटन शुगर केन टी कॉफी इन सब के बारे में, मेजर मिनरल्स, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, वीट राइस कॉटन इनके अलावा दूसरी नहीं पढ़नी है, जो लिख रखा है इसमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। मेजर मिनरल्स आयरन ओर, मैगनीज, बॉक्साइट, माइका, पावर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज, अभी सोलर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहा है इंडिया। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, नेशनल हाईवेज एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, जो नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जैसे दिल्ली टू मुंबई कॉरिडोर जो बन रहा है इंडिया में, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, आप यूट्यूब पे भी इसके बारे में देखना और बहुत कुछ मिलेगा। तो मेजर कॉरिडोर, नेशनल हाईवेज जो बन रहे हैं, जो नए नए नितिन गडकरी जो नए नए हाईवेज सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो बन रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन। फिर अपन बात कर लेते हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे छोटे एग्जाम में आती है, आरएस में भी आती है, प्लस अदर कोई भी एग्जाम दे लेना, आजकल सबसे ज्यादा वेटेज राजस्थान ज्योग्राफी का आ रहा है, अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के में भी यही था, उससे पहले भी जो भी पेपर में समय खूब भर भर के वेटेज आ रहा है राजस्थान ज्योग्राफी का। अधीनस्थ बोर्ड ने जो जेईई का पेपर कराया तो उसमें भी भर भर के राजस्थान ज्योग्राफी थी। आजकल मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, मैचिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैच कर दो। फिर अपन इसमें टॉपिक आता है मेजर फिजियोग्राफिक रीजन एंड डियर कैरेक्टरिस्टिक, राजस्थान का डिवीजन, राजस्थान काइट शेप में और रोम्बस शेप में, राजस्थान के डिविजन्स कौन कौन से डिवीजन है राजस्थान के, वो सब, क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेट कौन कौन से रीजन में कैसे कैसे क्लाइमेट है, अरावली किस तरफ कैसा क्लाइमेट है, इस तरफ कैसा क्लाइमेट है, डिविजन्स हैं। फिर मेजर रिवर्स एंड लेक्स, राजस्थान में ऑन एन एवरेज 2000 से ऊपर रिवर्स हैं डॉक्यूमेंट्स में, और रियलिटी में तो सब सूख गई हैं। लेक्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, सॉइल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, काली लाल मिट्टी के बारे में क्वेश्चन था अभी इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। मेजर क्रॉप्स वीट माइज बार्ले कॉटन शुगर केन बाजरा इन सब के बारे में पढ़ना है। मेजर इंडस्ट्रीज राजस्थान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं उन सब के बारे में। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स जो चल रही हैं राजस्थान में उन सब के बारे में पढ़ना है। पॉपुलेशन ग्रोथ, डायनेस्टी, लिटरेसी, सेक्स रेशो, मेजर ट्राइब्स जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है अपन को मिनरल्स एंड मेटलिक एंड नॉन मेटल मिनरल्स के बारे में। फिर पावर रिसोर्सेज कनेक्शन और सेम चीज अपन इंडिया के में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी, इट्स कंजर्वेशन, टूरिज्म सेंटर्स एंड सर्किट्स, टूरिस्ट सेंटर कौन कौन से और सर्किट कौन से, राजस्थान में कुछ सर्किट्स बनाए गए हैं टूरिज्म के रिलेटेड। फिर आ जाओ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटी के ऊपर, यह पॉलिटी, पॉलिटी में ज्यादा कुछ नहीं आता लेकिन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, इन सबके बारे में। तो पॉलिटी है, पॉलिटी का भी वेटेज ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़नी पड़ेगी परी के लिए। एक भी सब्जेक्ट आप छोड़ के जाओगे तो नंबर वहीं इतने गिरेंगे। बस आपको पासिंग मार्क्स, जैसे 2021 में कट ऑफ रही थी 85 कट ऑफ रही थी, मतलब इस बार आइडिया जा रहा है 90 के आसपास कट ऑफ पहुंच सकती है, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है। कोचिंग सेंटर्स में 20,000 स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और होम से और कर रहे हैं वो अलग। फिर पॉलिटी ऑफ राजस्थान, पॉलिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थानी पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, अच्छे से याद हो जाती है, समझ में भी आ जाती है। स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव है, डिस्ट्रिक्ट, एडीएम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्ट्रक्शंस। फिर इंस्टीट्यूशंस है, राजस्थान पब्लिक कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स, लोक आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। पब्लिक पॉलिसी राइट्स हैं, पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स एंड सिटीजन्स करेक्टर, इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, मेजर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इशूज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मेजर वेलफेयर स्कीम्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। स्कीम्स कौन कौन सी, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, फार्मर्स एंड लेबर्स, इन सब के बारे में। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट किसके हैं, इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी की पढ़ेंगे इसमें पूरी। इसमें अपन पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, फिर बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बैंकिंग टैक्स, शेयर मार्केट से रिलेटेड, फिर स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, सब्सिडीज एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग, मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, करंट स्टेटस, इश्यूज एंड नेगेटिव्स, और ये सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स निकलते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। फिर सोशल जस्टिस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बेसिक एवरीडे साइंस, बायोलॉजी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस टेक्नोलॉजी, इन चार सब्जेक्ट का ये पोर्शन है। सबसे ज्यादा वेटेज आती है वो आती है बायोलॉजी की और टेक्नोलॉजी की प्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड 10% क्वेश्चन आते हैं इसमें टोटल वेटेज में से, साइंस और टेक्नोलॉजी के 10% फिजिक्स केमिस्ट्री से आता है, बाकी मेजर पोर्शन टेक्नोलॉजी से और बायोलॉजी से आता है। सबसे ज्यादा पोर्शन जो आता है वो बायोलॉजी से आता है, तो बायोलॉजी को अच्छे से करनी है। बेसिक एवरीडे साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट्स, नैनो टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर इंपैक्ट, बायोडायवर्सिटी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड ये सब राजस्थान के बारे में रिलेटेड। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान, ध्यान से पढ़िए इसको, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ टू राजस्थान, सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड पढ़नी है। सबसे ज्यादा मेन रेफरेंस किसको लेना है, राजस्थान से। फिर अपन रीजनिंग, रीजनिंग बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली हो जाएगी, 12-15 मार्क्स की आती है, सबसे ज्यादा पोर्शन है मैथ और रीजनिंग में, रीजनिंग का, रीजनिंग प्लस मैथ दोनों सब्जेक्ट में मेजर पोर्शन है रीजनिंग का। रीजनिंग को तो करके जाना ही पड़ेगा, मैथ कर जाओ, लास्ट टाइम 2018 में 2021 में 8 क्वेश्चन आए थे। तो मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये तो बहुत सिंपल पोर्शन हो गया और ये और भी सिंपल हो गया। रही बात मैथ की, तो इसको थोड़ा सा आप ऑन एन एवरेज 1 मंथ में खूब अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है मैथ, 1 मंथ में रिविजन भी हो जाएगा, अच्छे से कवर भी हो जाएगी। फिर अपन बात कर लेते हैं जो मेजर पोर्शन अपन यहाँ पे करने वाले हैं, तो प्री के लिए तो अपन डेडिकेटेड हैं, तो आरएस प्री को अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक सर्वे प्लस एक सब्जेक्ट और पकड़ेंगे, वह है इकोनॉमी। इकोनॉमी इन 5 सब्जेक्ट को कवर करेंगे अपन मेजरली, जैसे इकोनॉमिक सर्वे प्लस करंट अफेयर्स का अपन ने देखा, करंट अफेयर्स में अपन ने देखा ऑन एन एवरेज 42-45 क्वेश्चन आ रहे हैं, और राजस्थान ज्योग्राफी से ऑन एन एवरेज 10-15 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। फिर अपन बात कर लेते हैं रीजनिंग, रीजनिंग भी कवर करा देंगे और मैथ भी कवर करवा देंगे, इसमें से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अपन ने कौन सी सब्जेक्ट की बात करी, अपन बात करते थे इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की, टेक का बहुत छोटा सा पोर्शन आता है और इकोनॉमी का भी बहुत छोटा सा पोर्शन आता है, फिर भी अपन इसको कवर करेंगे ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन अपन इससे भी कवर करेंगे। तो अपने टोटल क्वेश्चन हो गए अपन 40 के ले लेते हैं, 10 इसके ले लेते हैं, 20 इसके ले लेते हैं, 20 इसके ले लेते हैं, 90 क्वेश्चन हो गए, 19 × 1.33। अब आप देख लो आपका प्री तो इन सब्जेक्ट से क्लियर हो रहा है, और प्री क्लियर कर लो, प्री के बाद मेंस तक 4 मंथ का टाइम मिलेगा एवरेज,
फोर मंथ का टाइम मिलेगा, फोर मंथ में बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं पॉपर से सब्जेक्ट हैं, बहुत इजीली रीडिंग से याद हो जाएंगे। सबसे जो ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा मेंस में, वो करना पड़ेगा मेंस के लिए लैंग्वेज पे, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दो सब्जेक्ट पे कर लो। जो भी टॉपर है उनके इन सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं और ये टॉपर है, आज ही से पढ़ना चालू कर दो हिंदी और इंग्लिश। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।